बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महा मुशर्रफ, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 2 स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 2.4 पढ़ा रही थी, उसी को कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 को। चले आए हम समझते हैं बुक का क्वेश्चन नंबर 13। बुक का क्वेश्चन नंबर 13 ये है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट फ्रॉम ए -4.4 टू बी 2.2 एंड द पॉइंट विच इज 3/5 द वे फ्रॉम सी 5.3 टू डी -3.-2। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमें ये कह रहे हैं कि हमें फाइंड करना है स्लोप। स्लोप फाइंड करने के लिए हमें दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमें दो कंडीशन गिवन है। एक ये कंडीशन है कि ए बी जो लाइन सेगमेंट है, एक पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट्स को बीच में से मिड से बाइसेक्ट कर रही है, जो इन दोनों पॉइंट को मिड से बाइसेक्ट कर रही है वो मिड पॉइंट हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। सेकेंड कंडीशन ये है कि सेकेंड पॉइंट जो हम फाइंड करेंगे, जो लाइन सेगमेंट सी और डी को 3/5 वे के अंदर डिवाइड कर रहा है, जो 3/5 वे के अंदर जो डिवाइड कर रहा है पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हम फाइंड करेंगे मिड पॉइंट और सेकेंड पॉइंट हम फाइंड करेंगे पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये हम फाइंड करेंगे। जब हमारे पास मिड पॉइंट और हमारे पास पॉइंट ऑफ डिवीजन का पॉइंट दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे तो हम जो हैं फाइंड कर लेंगे स्लोप। तो चले आए हम डायग्राम में समझते हैं। ये एक क्या है, ये एक लाइन सेगमेंट है ए और बी। ए बी जो लाइन सेगमेंट है, ये जो तीसरा पॉइंट है, ये इन दोनों पॉइंट को क्या कर रहा है, बीच में से मिड से बाइसेक्ट कर रहा है। इस वाले पॉइंट को हमने ई ले लिया है और हमने लेट किया है एक्स डैश कॉमा वाई डैश। हम पहले मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम मिड पॉइंट निकालें। ये एक लाइन सेगमेंट है सी और डी, 3/5 को हम कंसीडर करेंगे। टोटल वे कितने हैं, 5 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 3, और यहाँ कितने रिमेनिंग बचे, यहाँ बचे 2। तो ये हमारे पास रेशो आ गया है 3:2, M1 और M2। ये जो दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को, जो तीसरा पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है इन दोनों पॉइंट्स को, इसको हमने लिया है F और हमने इसको लेट किया है x" (y"). पहले हम फाइंड करेंगे मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करते हुए। फिर हम फाइंड करेंगे पॉइंट ऑफ डिवीजन का पॉइंट, इंटर डिवीजन का फॉर्मूला यूज़ करते हुए। चले आए हम वर्किंग इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। वर्किंग हम इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करते हुए, मिड पॉइंट का पॉइंट निकालेंगे। जब हमारे पास मिड पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, फिर हम निकालेंगे पॉइंट ऑफ डिवीजन का पॉइंट। पॉइंट ऑफ डिवीजन का पॉइंट हम निकालेंगे इंटर डिवीजन का फॉर्मूला यूज़ करते हुए। जब हमारे पास दोनों पॉइंट आ जाएंगे तो हम ईजिली जो है वो स्लोप फाइंड कर लेंगे, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर यही फाइंड करना है कि हमें स्लोप फाइंड करना है। स्लोप हम फाइंड करेंगे ई से लेकर एफ तक। चले आए हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं, मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो डेटा बनाते हैं, ए क्या है हमारे पास, ए है हमारे पास -4.4। इसको सपोज x1, y1, और बी हमारे पास क्या है, बी है हमारे पास 2.2। इसको सपोज x2, y2, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है मिड पॉइंट, मतलब के ई x'(y') ये हमें फाइंड करना है। तो हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x=x1+x2/2, y=y1+y2/2। एक्स क्या है, एक्स है हमारे पास x', x'। x1 क्या है हमारे पास -4, x2 क्या है 2, और ये 2। x' -4+2, 4 में से 2 माइनस होंगे तो कितने बचे 2, बड़ी वैल्यू के साथ क्या है माइनस का साइन, तो -2 और ये 2। 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा हमारे पास x' क्या आया, हमारे पास x' आया -1। यह हमारे पास आ गया है x'-1। अब हम निकालते हैं y क्या है, y'। y1 क्या है 4,
वाई टू क्या है, टू, और ये टू, वाई डैश इज इक्वल टू फोर प्लस टू सिक्स, और ये टू, टू वन ज़ा और ये टू थ्री ज़ा, हमारे पास y डैश क्या आया है, हमारे पास y डैश आया है थ्री। यह हमारे पास मिड पॉइंट आ गया है, x डैश आया है माइनस वन और y डैश आया है थ्री। अब हम निकालते हैं पॉइंट ऑफ डिवीजन का पॉइंट, तो हम डेटा बनाते हैं। c क्या है हमारे पास, c है हमारे पास फाइव कॉमा थ्री, इसको सपोज एक्स वन कॉमा वाई वन, और डी क्या है हमारे पास, डी है हमारे पास माइनस थ्री कॉमा माइनस टू, इसको सपोज एक्स टू कॉमा वाई टू। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है पॉइंट ऑफ डिवीजन का पॉइंट, जो कि हमने लेट किया है एफ एक्स डबल डैश कॉमा वाई डबल डैश, ये हमें फाइंड करना है। और रेशो है एम वन और एम टू, थ्री रेशो टू। हम जो है वो इंटरन डिवीजन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम इंटरन डिवीजन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इंटरन डिवीजन का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, और y होता है y इज इक्वल टू एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। तो हम यूज़ करते हैं इंटरन डिवीजन का फॉर्मूला। x क्या है, x है डबल डैश, एम वन क्या है, एम वन है थ्री, और एक्स टू क्या है, एक्स टू है माइनस थ्री प्लस एम टू क्या है टू, और एक्स वन क्या है, एक्स वन है फाइव, एम वन है थ्री और एम टू है टू। एक्स डबल डैश थ्री थ्री ज़ा क्या होता है, थ्री थ्री ज़ा होता है नाइन, माइनस यहाँ एक साइन था तो हमने माइनस का साइन लगा दिया, थ्री थ्री ज़ा नाइन और ये माइनस का साइन, प्लस फाइव टू ज़ा क्या होता है, फाइव टू ज़ा होता है टेन, थ्री प्लस टू फाइव, माइनस नाइन प्लस टेन, माइनस प्लस माइनस, टेन में से नाइन माइनस होंगे तो कितने बचे, वन, वन अपॉन फाइव। यह हमारे पास आ गया है x डबल डैश की वैल्यू। अब हम फाइंड करेंगे y डबल डैश की वैल्यू। y क्या है हमारे पास, y है y डबल डैश, m1 क्या है थ्री, y2 क्या है माइनस टू, m2 क्या है टू, y1 क्या है थ्री, m1 क्या है थ्री और m2 क्या है टू। y डबल डैश इज इक्वल टू थ्री टू ज़ा सिक्स, माइनस का साइन है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस सिक्स, प्लस टू थ्री ज़ा सिक्स, और ये आ गया है थ्री प्लस टू कितने होते हैं फाइव। माइनस सिक्स और प्लस सिक्स, माइनस प्लस माइनस, सिक्स से सिक्स हुआ कैंसिल। हमारे पास y डबल डैश की क्या वैल्यू आई, माइनस सिक्स प्लस सिक्स ये हो गया ज़ीरो, माइनस प्लस है तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो सिक्स में से सिक्स माइनस हुआ तो ज़ीरो बचा और फाइव। ज़ीरो से कोई भी चीज़ डिवाइड होती है तो वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो हमारे पास y डबल डैश हमारे पास की वैल्यू क्या आ गई है, ज़ीरो। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ डिवीजन के पॉइंट आ गए हैं, x डबल डैश आया है वन अपॉन फाइव और y डबल डैश आया है ज़ीरो। हमारे पास दोनों पॉइंट्स आ गए हैं, हमारे पास मिड पॉइंट भी आ गया है और हमारे पास पॉइंट ऑफ डिवीजन का पॉइंट भी आ गया है। तो हम जो हैं अब इजीली फाइंड कर लेंगे स्लोप, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना था। हमारे पास ई क्या आया, ई एक्स डैश आया है माइनस वन और वाई डैश आया है थ्री, इसको सपोज एक्स वन कॉमा वाई वन, और हमारे पास एफ जो है पॉइंट ऑफ डिवीजन का पॉइंट, एक्स डबल डैश आया है वन अपॉन फाइव
और हमारे पास y डबल डैश आया है 0। इसको सपोज़ x2, y2, हमें इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड क्या करना था, इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना था स्लोप। लाइन ई से लेकर एफ तक हमें स्लोप फाइंड करना था। तो अभी हम फाइंड करते हैं स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करते हुए। स्लोप का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू y2 - y1 / x2 - x1। स्लोप हम किसका निकाल रहे हैं, स्लोप हम निकाल रहे हैं ई से लेकर एफ तक लाइन का। y2 क्या है हमारे पास 0, y1 क्या है 3, x2 क्या है 1/5 और x1 क्या है, x1 है -1। m e f इज इक्वल टू -3 और ये 1/5 माइनस माइनस प्लस प्लस और ये 1। m e f -3 हम जो हैं वो एलसीएम कर लेंगे, 1 + 5 और ये 5। m e f इज इक्वल टू -3 और ये 1 + 5 होता है 6 और ये 5। 3 1 ज़ा और ये 3 2 ज़ा। -1 डिवाइडेड बाय 2/5। एम ई एफ इज इक्वल टू -1, डिवाइड में 2/5 है, मल्टीप्लाई में 5/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास स्लोप आ गया है, -1 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो -5 और ये 2। ये हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, जो कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड क्या करना था, हमें इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना था स्लोप फाइंड करना था। तो हमें जो है वो स्लोप फाइंड हो गया है, हमारे पास मिड पॉइंट का पॉइंट भी आ गया था और हमारे पास पॉइंट ऑफ डिवीजन का पॉइंट भी आ गया था। हमारे पास दोनों पॉइंट्स आ गए थे तो हमने जो है स्लोप का पॉइंट हमने फाइंड कर लिया है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ गया है। अब हम समझते हैं अगर एंगल बिटवीन टू लाइंस हो तो उसका फॉर्मूला होता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 - m1/1 - m2 m1। एंगल हमेशा एंटी क्लॉक वाइज होता है, जहाँ से एंगल निकल रहा होता है इसको हम कहते हैं फ्रॉम और जहाँ तक एंगल पहुँचता है इसको हम कहते हैं टू। फ्रॉम लाइन 1 और ये 2 लाइन 2। तो चले आए हम समझते हैं कि अगर लाइंस एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका स्लोप होता है 0 के इक्वल। स्लोप को हम लेते हैं 0 जब लाइंस जो होती हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल होती हैं, तो हम स्लोप को लेते हैं 0। अगर लाइंस वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका स्लोप होता है 1/0। 1/0 होता है इन्फिनिटी के इक्वल। हम समझते हैं बुक का क्वेश्चन नंबर 14। चले आए हम समझते हैं बुक का क्वेश्चन नंबर 14। बुक का क्वेश्चन नंबर 14 ये है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम द लाइन
थ्रो -3,1 एंड 4,3 टू द लाइन थ्रो 1,-2 एंड 6,7। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हमें ये कह रहे हैं कि हमें फाइंड करना है एंगल फ्रॉम द लाइन, मतलब कि मैंने आपको बताया था कि लाइन वन के हमें दो कोऑर्डिनेट हमें गिवन हैं, एक हमारे पास कोऑर्डिनेट है -3,1 और दूसरा हमारे पास गिवन है 4,3। टू द लाइन मतलब के लाइन टू के हमारे पास दो कोऑर्डिनेट हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन हैं, एक कोऑर्डिनेट गिवन है 1,-2 और दूसरा हमें कोऑर्डिनेट गिवन है 6,7। डायग्राम समझते हैं, ये एक लाइन है x एक्सिस और ये लाइन है y एक्सिस। हमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है -3,1, -3 x है और y है 1, -3 जो है वो है x और 1 है y। तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया है, इसको हमने ले लिया है a। और हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट है 4,3, 4 है x और 3 है y, 4 है x और 3 है y। यह हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया है जिसको हमने b ले लिया है। ये लाइन 1 हो गई है, फ्रॉम द लाइन लिखा हुआ था तो ये लाइन 1 हो गई है। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर थर्ड कोऑर्डिनेट गिवन है 1,-2, 1 है x और -2 है y, 1 और -2, ये हमारे पास थर्ड कोऑर्डिनेट आ गया है जिसको हमने c ले लिया है। और हमारे पास फोर्थ कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में गिवन है 6,7, 6 है x और 7 है y, 6 और 7, यह हमारे पास फोर्थ कोऑर्डिनेट आ गया है जिसको हमने d ले लिया है। टू द लाइन्स मीन्स के लाइन टू, हमें इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है एंगल हमें फाइंड करना है। तो चलें आए हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। वर्किंग स्टार्ट करने से पहले कि मैं आप लोगों को बताऊं कि वर्किंग किस तरीके से स्टार्ट करनी है, पहले हम स्लोप निकालेंगे लाइन वन का, फिर हम निकालेंगे स्लोप लाइन टू का। जब हमारे पास लाइन वन और लाइन टू के हमारे पास स्लोप आ जाएंगे तो हम ईजिली जो है वो एंगल फाइंड कर लेंगे। तो चलें आए हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं, लाइन वन का स्लोप निकालते हैं। तो डेटा बनाते हैं, ए क्या है हमारे पास, ए है -3,1, इसको सपोज x1,y1। और हमारे पास बी क्या है, बी है हमारे पास 4,3, इसको सपोज x2,y2। स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, स्लोप का फॉर्मूला होता है m इज़ इक्वल टू y2-y1 अपॉन x2-x1। स्लोप हम किसका निकाल रहे हैं, स्लोप हम निकाल रहे हैं लाइन वन का। y2 क्या है 3, y1 क्या है 1, x2 है 4, x1 क्या है -3। m1 इज इक्वल टू 3-1 होता है 2, 4 -- प्लस 3, m1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 7, यह हमारे पास लाइन वन का स्लोप आ गया है 2/7। अब हम स्लोप निकालेंगे लाइन टू का, तो हम डेटा बनाते हैं। सी क्या है हमारे पास, सी है हमारे पास 1,-2, इसको सपोज x1,y1। और डी हमारे पास क्या है, डी हमारे पास है 6,7, इसको सपोज x2,y2। स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, स्लोप हम किसका निकाल रहे हैं, स्लोप हम निकाल रहे हैं लाइन टू का। y2 क्या है, y2 है 7, y1 क्या है -2, x2 क्या है, x2 है 6, x1 क्या है 1। m2 इज इक्वल टू 7 -+ और ये 2, 6-1, 6 में से 1 माइनस होगा तो कितने बचे 5।
हमारे पास लाइन टू का स्लोप आया है 7 + 2 होते हैं 9, 9/5। यह हमारे पास आ गया है लाइन टू का स्लोप। हमारे पास लाइन वन का भी स्लोप आ गया है और लाइन टू का भी स्लोप आ गया है। हमारे पास दोनों स्लोप्स आ गए हैं तो हम जो हैं वो एंगल फाइंड कर लेंगे। हम टेंजेंट फार्मूला यूज़ करते हैं। टेंजेंट फार्मूला होता है m2 - m1/1 + m2 - m1। tan थीटा इज इक्वल टू m2 क्या है 9/5 माइनस m1 क्या है 2/7। 1 + m2 क्या है 9/5 और m1 क्या है 2/7। टेंजेंट थीटा 9/5 माइनस 2/7। हम एलसीएम निकालेंगे। फाइव और ये 7, 5 1 और ये 7, 35। यहाँ पास एलसीएम आ गया है 35। 7 9 क्या होता है 63 और 5 2 क्या होता है 10। वन प्लस 9 2 क्या होता है 18 और 7 5 क्या होता है 35। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 63 - 10 35 का एलसीएम कर देंगे 35 + 18 और ये 35 हुआ कैंसिल। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 63 - 10/35 + 18। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 63 - 10 होते हैं 53 और ये होते हैं 53। 1 से 1 हुआ कैंसिल। टेंजेंट थीटा आया हमारे पास 1। थीटा हमें फाइंड करना है। 10 को हम इधर ले जाएंगे राइट साइड पे तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स और ये 1। 10 इनवर्स 1 इक्वल होता है 45। ये हमारे पास आ गया है एंगल जो कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना था। यह आ गया है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। हमें इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना था एंगल जो कि हमने फाइंड कर लिया है। यहाँ कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 चैप्टर 2 स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 2.4। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और मेरे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा हो और मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 के साथ। अल्लाह हाफिज़।